नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, विपक्ष की बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब उनकी नई चिंता यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने वो किस चेहरे को लाएं ताकि वो डर जाए। विपक्ष जितना सॉलिड होगा उतना ही जो सत्ता में पार्टी होती है उसको लड़ने में मज़ा आता है, ये वो नहीं जानते। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दल अभी से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव से काफ़ी वक्त पहले, जैसा कि मैंने बताया, विपक्षियों में ये चर्चा तेज हो गई है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के रूप में किसका चेहरा आगे लाया जाए, किसको दिखाया जाए, किसके चेहरे पे विपक्ष इकट्ठा हो सके। बहुत सारी बातें हैं इसमें और अब ये कवायद काफ़ी तेज़ हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही सियासी हलचलें देखने को मिल रही है। दिल्ली में 8 सितंबर को एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात होने वाली है और इसमें तय क्या होना है कि पीएम मोदी के सामने कौन सा चेहरा उन्हें दिखाया जाए। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा गया था जिसमें ये कहा गया था कि एक बैठक होनी चाहिए, उस बैठक में इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और इस बात पे सहमति बनाने की कोशिश की जाए कि जिस पार्टी के सांसद ज़्यादा हैं प्रधानमंत्री उसी का बने। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो बड़ी पार्टी है उसको डराने के लिए कोई चेहरा ढूंढा जा रहा है। अब सांसद ज़्यादा जिसके होंगे प्रधानमंत्री उसका ही बनेगा, तो बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के विपक्षी एकता का समर्थन किया था। उनका ये भी मानना था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्षी दल एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर के भी अपनी राय, अपनी एक लाइन, अपनी एक लीड तैयार कर सकते हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएम प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने 31 अगस्त को पटना का दौरा किया था और अगले लोकसभा चुनाव में रणनीति पर चर्चा करने को लेकर के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की थी। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। चुनाव जैसे जैसे आएंगे, एक तरफ पार्टियों में तोड़फोड़ होगी, एक तरफ कुछ लोगों को इधर से उधर जाना होगा, जैसे कि पिछले कई दिन से बीजेपी में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये संकेत हैं कि लोकसभा के चुनाव कैसे होंगे और जो विपक्ष सोच रहा है कि जिसके सांसद ज़्यादा होंगे उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बड़ी जाहिर सी बात है, वो सोच कह रहे हैं। ये तो नियम की बात है कि सांसद जिसके ज़्यादा होते हैं उसी का प्रधानमंत्री बनता है। तो बहुत सारे लोग आजकल अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री कौन होंगे, लेकिन जो लोग इस समय इस कवायद में लगे हुए हैं, मसलन शरद पवार जिनका कोई बेस नहीं है और फिर नीतीश कुमार जिन्हें ये नहीं पता कि वो कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं, और ममता जिसके बहुत सारे लोगों पर जांच चल रही है, कई और ऐसे चेहरे हैं उनके मंत्रिमंडल में जो सीआईडी और आपके ईडी की रडार पे हैं,
उनको खुद नहीं पता कि वो कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले चुनाव को लेकर के वो अपनी कयासबाजी कर रहे हैं कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष का फेस कौन सा होगा। तो देखते हैं इनकी 8 तारीख की मीटिंग में क्या होता है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।